नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होंडा एसपी 125 की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों, 125 को मैंने लिया था और ये एक्चुअली कस्टमर्स ओनर यानी कि एक्चुअल रिव्यू है देखने को मिलेगा। इसमें 2 साल हो गए हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि एसपी 125 बहुत ही फेमस गाड़ी है और बहुत ज़्यादा बिकती है, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो जितने भी मैकेनिक हैं वो एसपी 125 पर ही लगे हुए मिलेंगे आपको। दोस्तों, ये इस गाड़ी में 2 साल तक तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, जैसे लो ऑयल लीकेज की, आगे का मडगार्ड जो है उसके टकराने की, क्योंकि जो आपका आगे वाला सस्पेंशन है उसमें ऑयल की मात्रा कम होने की वजह से या डिसबैलेंस होने की वजह से जो आपका लेग गार्ड होता है वो मडगार्ड से टकराता है, उससे जो स्क्रैच पड़ जाता है, और जब भी हम ब्रेक लगाते हैं आगे वाले तो एकदम से कट कट की आवाज़ आती है, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिली थी अब तक, उसके अलावा ऐसी कोई और मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन 2 साल के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ये है कि इसके ECM का खराब होना। ECM का खराब होना इसका मतलब आप 5,000 रुपये का आपका पट्टा लगने वाला है, उसी के साथ में आपको खराब होने पड़ता है। तो अभी इसमें जब गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, ये हालत तब है जब गाड़ी की सर्विस जो है टाइम टू टाइम हुई है, कोई भी सर्विस मिस नहीं हुई है, सारी सर्विसें शोरूम पे हुई हैं, उसके बावजूद 2 साल के बाद में सीधा डायरेक्टली 10,000 का फटका लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि इस गाड़ी को ना लें, क्योंकि इस गाड़ी में आगे कोई भी भरोसा नहीं है। टाइम टू टाइम इतनी कॉस्टली मेंटेनेंस कराने के बाद भी होंडा की, उसके बाद भी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और उसमें बड़ा फटका लगता है, तो उससे अच्छा तो है कि हम हीरो की गाड़ी प्रीफर करें या दूसरी कंपनी की कोई गाड़ी प्रीफर करें। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, चुन लीजिए। इसमें जो है 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ECM जो है वह बार बार टूटी चेंज करती है। 2019 में कोई और ECM था, उसके बाद में 2022 में 23 में देखती है तो ECM भी चेंज हो चुका है। 2019 का ECM का मॉडल भी नहीं मिला था, तो कम से कम 1 महीने का वेट करना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।